अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स का, ठीक है। हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लूप्स, ठीक है। देखो, लूप्स हमारे पास किस लिए यूज होते हैं? एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक यहाँ पे सेंटेंस है, दिस इज अ क्लास, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना है अपने ब्राउजर पे, मतलब अगर मुझे दिस इज अ क्लास सपोज करो कि 100 दफा, 100 टाइम्स मुझे अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले करवाना है, तो मुझे 100 दफा लिखना पड़ेगा? नहीं, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं लूप्स, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे बताऊं, इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सही है, ये बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, सही है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसकी टाइप देखते हैं, लूप्स की कितनी टाइप है। पहली टाइप हमारे पास होती है फॉर लूप, सही है। फिर उसके बाद दूसरी टाइप हमारे पास होती है इसकी व्हाइल लूप, सही है, व्हाइल। फिर थर्ड टाइप इसकी होती है हमारे पास डू व्हाइल लूप, सही है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और एक एक्स्ट्रा लूप की टाइप है, जिसको हम कहते हैं फॉर इन, सही है, फॉर इन लूप, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम आते हैं और इसको देखते हैं फॉर लूप को, ठीक है। मैं यहाँ पे इस एरिया को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और वापस आ जाते हैं हम अपने हेड के सेक्शन में, और यहाँ पे स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ मैं आई, ठीक है। एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या रख दिया, आई, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं आता हूँ, अपना लूप स्टार्ट करता हूँ। लूप के लिए फॉर लूप, इसके लिए मैं कीवर्ड लिखूंगा फॉर, फिर उसके बाद इसके ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस, और उसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ बॉडी। अब देखो, फॉर लूप के अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है, या इसको बंद कर देते हैं। देखो यहाँ पे अभी मैंने इस वक्त क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। और अगर मैं इसी वेरिएबल को यहां पे कोई भी वैल्यू दे दूं, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। हम इस सब को एक लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, वॉर आई इज इक्वल टू 10, सही है। देखो, एक ही लाइन में मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, जब मैं वेरिएबल को कोई वैल्यू देता हूं ना, उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, और जब मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, तो इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, सही है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्योंकि वेरिएबल को इनिशियलाइज में कहाँ करूंगा, यहाँ पे लूप के अंदर, सही। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा लूप स्टार्ट कहां से होगा, 1 से, ठीक है। और फिर इसके बाद आई लेस देन 10, तो मैंने यहां पे कंडीशन दी कि जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक मेरा लूप चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आई के पास क्या वैल्यू है, 1 है, और यहां पे ये कंडीशन चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, कि आई छोटा है 10 से, सही है। फिर लूप के अंदर तीसरी चीज देते हैं हम आई प्लस प्लस। इसको प्लस प्लस का ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, वो आई के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना, उसके अंदर एक नंबर प्लस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आई के अंदर अभी क्या वैल्यू है, 1, तो वो उसके अंदर एक नंबर और प्लस कर देगा। तो 1 और 1 को प्लस किया तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये काम कौन कर रहा है, हमारा प्लस प्लस का ऑपरेटर। इसको कहते हैं, प्लस प्लस के ऑपरेटर को हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्या कहते हैं। फिर इसी तरह अगर मैं प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस करूं,
तो वो क्या करेगा, एक नंबर माइनस कर देगा। मतलब i के अंदर अगर 1 है वैल्यू और 1 को मैं 1 से माइनस करवा दूं तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और इस माइनस माइनस को हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सही है, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। अब देखो, अब इस बॉडी के अंदर मैं जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा वो मेरी मल्टीपल टाइम्स चलेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे आके इसको सेव करूं, इसका हम नाम रख देते हैं लूप्स। ठीक है, यहां पे आके इसको चलाता हूं। अच्छा देखो, हमने लाइन ब्रेक नहीं दिया। ठीक है, तो मैं यहां पे br का टैग यूज कर लेता हूं। सही है, अब यहां पे आता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब इसको आप काउंट करो कितनी दफा एग्जीक्यूट हुआ, 9 दफा। क्यों 9 दफा क्यों हुआ, हम अपने लूप में आगे चेक करते हैं। हमने उसको क्या कहा कि i स्टार्ट कहां से होगा, 1 से, और तब तक चलता रहेगा जब तक i 10 से छोटा नहीं हो जाता। सही है, मैं फॉर एग्जांपल यहां पे i इज इक्वल टू क्या है, 1। सही है, और तो एक दफा हमारा ये प्रिंट हो गया। सही है, फिर यहां पे आएगा दोबारा, चेक करेगा i के पास क्या वैल्यू है, 1 है। ठीक है, 1 10 से छोटी होती है ना, तो फिर ये आ जाएगा इसके पास, तीसरे उसके इंक्रीमेंट के पास। अब वो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी वो यहां पे आ जाएगा। अब i के पास क्या था, 1 था, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक नंबर प्लस कर देता है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये दोबारा दूसरी दफा हमारी ये बॉडी चलाएगा। सही है, फिर इसी तरह दोबारा यहां पे आएगा, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहां पे 1 की जगह। ठीक है, फिर वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा, i जो 2 है वो 10 से छोटा है ना, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो इंक्रीमेंट के पास आएगा, i के पास 2 था उसके अंदर 1 प्लस कर दिया तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये तीसरी दफा ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन अब देखो 9 दफा हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट होगी। फिर जब वो 10वीं दफा आएगा ना, तब वो क्या चेक करेगा कि 10 10 से छोटा है, नहीं 10 10 के बराबर होता है, 10 10 से छोटा नहीं होता। तो जब यहां पे i के पास वैल्यू 10 आ जाएगी ना, तब क्या होगा, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी हमारा लूप रुक जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सही है, आगे नहीं चलेगा। ठीक है, देखो अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे प्लस i, ठीक है, ये जो मेरा वेरिएबल है, और यहां पे दोबारा प्लस लाइन ब्रेक। सही है, अब क्या होगा मुझे बताओ, देखना मैं यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं, थोड़ा स्पेस दे देते हैं हम यहां पे। सही है, इस जगह पे तो ये देखो सबसे पहले क्या वैल्यू आई i के अंदर, 1, फिर दूसरी दफा लूप चला क्या वैल्यू आ गई और कहां तक चला, ये 1 2 3 नंबर्स पता है कहां से आ रहे हैं, ये जो i का वेरिएबल मैं यहां पे प्रिंट करवा रहा हूं, देख रहे हो। मतलब जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ये वाली कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ये लूप हमारा चलता रहेगा। ठीक है, मतलब रिपीटेशन होती रहेगी, जैसे ही हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होगी हमारा लूप वहीं पर रुक जाएगा। सही है, लेकिन अगर मैं यहां पे इज इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करूं तो यहां पे अब क्या कह रहा है, आई छोटा हो 10 के या बराबर हो, इससे क्या होगा हमारे पास 10 भी हमें नजर आएगा। देखो 10 भी आ गया, क्योंकि कंडीशन क्या कह रही है यहां पे कि आई के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो 10 से छोटी है तब भी कंडीशन ट्रू है, और अगर 10 के बराबर है तब भी कंडीशन ट्रू है, और तब तक लूप चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर लूप। ठीक है, अब मैं आता हूं
जो दूसरी टाइप थी हमारे पास while लूप, ठीक है। while लूप में क्या करते हैं हम कीवर्ड यूज करते हैं while का, सही है। और यहां पे उसी तरह इसके ब्रैकेट्स और फिर उसी तरह यहां पे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। और यहां पे अब हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो दोबारा हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। वाइल के अंदर हम देते हैं, इसके ब्रैकेट्स में देते हैं सिर्फ कंडीशन। तो मैं यहां पे कंडीशन देता हूं, फॉर एग्जांपल लेस देन 10, सही है। फॉर के अंदर हम क्या कर रहे थे, तीनों चीजें एक ही ब्रैकेट में दे रहे थे, लेकिन वाइल के अंदर हम सिर्फ कंडीशन ब्रैकेट में देते हैं बस। यहां पे आता हूं मैं, इसी को कॉपी कर लेता हूं और इसको ब्रैकेट में मैं यहां पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर देता हूं। अब देखो हमारे पास दो चीजें तो हो गई, क्या दो चीजें क्या हो गई, देखो हमने यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर किया लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब उसको वैल्यू नहीं दी। वैल्यू मैं कहां दूंगा, इस व्हाइल लूप के ऊपर, यहां पे ऊपर दे देता हूं i इज इक्वल टू 1, सही है। वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था i और यहां पे व्हाइल से पहले मैंने उसको क्या कर दिया, वैल्यू दे दी 1। तो लूप हमारा कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, फिर वो आएगा व्हाइल के ब्रैकेट्स के अंदर और कंडीशन चेक करेगा कि i जब तक हमारा 10 से छोटा है तब तक व्हाइल की ये जो बॉडी है ये चलती रहेगी। लेकिन एक चीज मिसिंग है इसके अंदर, वो क्या, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट नहीं दिया, इंक्रीमेंट मैं दूंगा यहां डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद, मतलब व्हाइल की बॉडी के अंदर लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद। मैं यहां पे आता हूं, इसको करता हूं आई प्लस प्लस, तो अब क्या होगा, देखो यहां पे आया इसने देखा कि आई के पास क्या वैल्यू है, 1, तो एक दफा वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट चला देगा, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करेगा कि आई के पास क्या वैल्यू है, 1 है, और वो चेक करेगा कि 10 से छोटी है, ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ये बॉडी चलेगी। फिर उसके बाद आएगा इंक्रीमेंट पे, यहां पे आई के पास क्या वैल्यू थी, 1, उसने 1 प्लस कर दिया उसके अंदर, तो अब यहां पे आई की जगह 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2, और दोबारा वो वाइल के अंदर आएगा, चेक करेगा कि आई के पास क्या है, 2 है और 2 10 से छोटा होता है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलाएगा। फिर दोबारा यहां पे आएगा और चेक करेगा कि 2 के अंदर 1 और प्लस करेगा, सही है, तो यहां पे आई के पास 3 वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा जब तक हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक, सही है। ये हो गई हमारी दूसरी टाइप, दोनों का काम तकरीबन सेम है लेकिन सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है इसमें, देख रहे हो। देखो हम यहां पे जितने भी लूप्स पढ़ेंगे ना सबका काम यही है, रिपीटेशन, मतलब एक मल्टीपल हमारे पास टाइम्स चलवाना, ठीक है, एक ही काम है उनका। मैं इसको कमेंट करता हूं और यहां पे आता हूं। अब हमारे पास सबसे लास्ट रह गया डू व्हाइल, ठीक है। मैं यहां पे डू व्हाइल के लिए हमारे पास एक कीवर्ड यूज होता है डू का, ये हो गई डू की बॉडी और यहां पे इन दी एंड हम दे देंगे व्हाइल, बस खत्म। ये सिंटैक्स है हमारे पास किसका, डू व्हाइल का। अच्छा अब देखो हमारे पास फॉर व्हाइल और डू व्हाइल, ठीक है। डू व्हाइल में एक चीज डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंट है इसमें कि ये जो डू व्हाइल है ना ये लूप हमारा एक दफा लाजमी चलता है चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक दफा लाजमी चलेगा। फॉर में और व्हाइल में क्या हो रहा है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी ना तब तक कंडीशन, मतलब तब तक हमारा लूप नहीं चलेगा, मतलब फॉर लूप और व्हाइल लूप में अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा लूप चलेगा। लेकिन डू व्हाइल में अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है ना तब भी वो एक दफा जरूर चलेगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल हमने आई का वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, मैं यहां पे इसको इनिशियलाइज करता हूं, आई को वैल्यू देता हूं 1, सही है। और अब यहां पे डू में आके मैं यही जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट था ना मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे आके पेस्ट कर देता हूं, सही है।
मतलब ये जो डू की बॉडी है ना वो एक दफा लाजमी चलेगी चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, सही है। और अब वाइल के अंदर मैं यहां पे कंडीशन देता हूं आई लेस देन 10, सही है, ये मैंने क्या दे दी, कंडीशन दे दी। और अब दोबारा एक चीज मिसिंग है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मैं दूंगा यहां डॉक्यूमेंट के बाद आई प्लस प्लस, सही है, ठीक है। अगर मैं अभी यहां पे सेव करूं और इसको चलाऊं तो ये देखो वही रिजल्ट आ रहा है, सही है। लेकिन अगर मैं यहां पे इसकी कंडीशन फॉल्स कर दूं जीरो, देख रहे हो यहां पे आई के पास क्या वैल्यू है, वन है। और मैं इसको क्या कह रहा हूं कि आई छोटा है जीरो से, आई जीरो से छोटा तो नहीं है ना, बड़ा है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अब जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी डू वाइल के अंदर, तब हमें यहां पे देखो एक दफा उसने लूप लाजमी चलाया, देख रहे हो कंडीशन हमारी फॉल्स है, फिर भी डू वाइल ने एक दफा लूप लाजमी चलाया। देखो सबसे पहले इसने किसको चेक किया, यहां पे आया डू पे आया, और डू के अंदर क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट था, उसने एक दफा प्रिंट करवा दिया। लेकिन जब वो वाइल पे आया उसने देखा यहां तो कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो उसने दूसरी दफा लूप को नहीं चलाया, सही है। क्योंकि देखो हमारा कोड हमेशा ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, मतलब पहले डू आएगा फिर वाइल चेक होगा।